आज से नौ संवत 2080 और चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार सूर्य गुरु और शनि का दुर्लभ योग बन रहा है। सूर्य और गुरु मीन राशि में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में रहेगा और चैत्र नवरात्रि मनाई जाएगी। ऐसा योग 617 साल पहले बना था। इस नए वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र है। ये साल मेहनत करने वाले लोगों के लिए शुभ और व्यापार वृद्धि करने वाला होगा। बुध के राजा होने से सुख समृद्धि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा होंगे। शुक्र के मंत्री होने से वैभव और संपत्तियों में वृद्धि करने का समय रहेगा। चैत्र में नवरात्रि की प्रतिपदा पर गुरु अपनी राशि मीन में सूर्य के साथ स्थित है, शनि अपनी राशि कुंभ में है। ऐसे योग में चैत्र नवरात्रि 617 साल पहले 30 मार्च 1406 को मनाई गई थी। सूर्य मीन राशि में है और गुरु और शनि अपनी अपनी राशि में विराजमान है। इन तीन बड़े ग्रहों की वजह से नौ संवत धन संबंधी मामलों में लाभदायक रहेगा। चैत्र नवरात्रि में संयम से रहना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, देवी सूक्त और देवी पुराण का पाठ करना चाहिए। देवी पूजा से सभी दुख दूर हो सकते हैं और सफलताएं मिल सकती है। अब बात अगर मेष राशि की करें तो 12वां गुरु और एकादश शनि रहेगा, समय सामान्य रहेगा, धन की कमी रह सकती है लेकिन काम नहीं रुकेंगे, वर्चस्व बना रहेगा। वृषभ राशि की बात करें तो इस राशि से एकादश गुरु और दशम शनि है, ये राशि मजबूत स्थिति में रहेगी, सफलता और सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन दशम गुरु और नवम शनि की वजह से समस्याएं खत्म होंगी, सफलता मिलेगी और योजनाओं पर काम कर पाएंगे। कर्क के विषय में जाने तो नवम गुरु और अष्टम शनि के कारण भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, धन की कमी हो सकती है, नकारात्मक घटनाएं घट सकती है। बात सिंह की करें तो अष्टम गुरु और सप्तम शनि के कारण समस्याएं नहीं आएंगी लेकिन छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, धन लाभ हो सकता है। बात कन्या की करें तो सप्तम गुरु और षष्टम शनि का असर होने से पैसों की कमी नहीं रहेगी, अविवाहित लोगों के विवाह हो सकते हैं, शत्रुओं का डर खत्म हो सकता है। और बताने की बात तुला राशि की करें तो षष्टम गुरु और पंचम शनि के कारण विरोधी हावी हो सकते हैं, विवाद बढ़ सकते हैं, आय अच्छी रहेगी और संतान से सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो पंचम गुरु और चतुर्थ शनि आपके कार्यों में वृद्धि करेंगे, धन लाभ होगा, सफलताएं मिलेंगी लेकिन अनावश्यक चिंताओं से बचना होगा। बात धनु की करें तो चतुर्थ गुरु और तृतीय शनि के कारण समय आपके पक्ष में रहेगा, कार्य सफल होंगे और सुख शांति मिलती रहेगी। बात मकर की करें तो तृतीय गुरु और द्वितीय शनि आपके लिए लाभदायक रहेंगे, पुरानी परेशानियों का अंत होगा, सफलताएं मिलती जाएंगी। बात कुंभ की करें तो द्वितीय गुरु और प्रथम शनि होने से अस्थाई धन संपत्ति में वृद्धि होगी, पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा और संतान से सुख मिलेगा। बात मीन की करें तो प्रथम गुरु और द्वादश शनि के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, नौकरी में दिक्कतें आ सकती है, विरोधी हावी हो सकते हैं। चांस एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।